दोस्तों, यदि वेल्डिंग करते समय हमारी आंखों में लाइट लग जाए तो उसका हम घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं, घर पे रहते हुए क्या क्या उपचार कर सकते हैं, इसका आज के वीडियो में मैं लाइव डेमो देने वाला हूं आपको। क्योंकि जब हम काम करके, काम पे से छुट्टी करके घर पहुंचते हैं रात को 8 बजे, तब तक हमें पता नहीं होता कि लाइट लगी हुई है या नहीं। रात को 10:30-11 बजे जब जिस समय हम अपना मोबाइल फोन चला रहे होते हैं या तो टीवी देख रहे होते हैं, उस समय हमें पता चलता है कि लाइट लग गई आंखों में। जब हमारी आंखों में जलन होने लगती है रात को 10:30-11 बजे, उस समय हमें पता चलता है कि सभी मेडिकल स्टोर भी बंद हो गए हैं, कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, तो उस समय हमारे यही घरेलू उपचार काम में आते हैं। तो आज इसी के बारे में मैं लाइव डेमो देने वाला हूं। तो हमारे भाई गुरु के आज आंखों में लाइट लग गई है, तो इनका हम आज लाइव डेमो देंगे आपको। तो स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है मौली सिंह, आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स, लेट जाइए। तो आज के वीडियो में मैं आपको 10 डेमो देने वाला हूं। तो सबसे पहला है आलू। तो आलू को हमें ऐसे पीस कटिंग कर लेने हैं, या तो इसका कद्दूकस भी आप कर सकते हैं, कद्दूकस पतले पतले पीस, और आलू अगर ठंडा हो तो और भी बढ़िया है। तो इस तरह से 15 से 20 मिनट तक, लगभग 15 मिनट ये आलू के पीस इस तरह से आंखों पे रखने हैं, जिससे कि आपको बहुत बढ़िया रिलीफ मिलेगा। अभी सेकेंड ऑप्शन है ये खीरा। तो खीरे को आप कटिंग करेंगे, घर पे आपके कुछ भी अवेलेबल हो सकता है, तो उसमें जो भी आपको अवेलेबल हो घर पे, वही चीज आप आंखों पे लगा सकते हैं, जो जो मैं बताने जा रहा हूं आज की वीडियो में। तो आलू का काम खत्म हो गया, अभी सेकेंड नंबर पे है खीरा। तो ये खीरा इस तरह से पीस पीस कटिंग करके कद्दूकस भी कर सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं। ये 2 नंबर रेमेडी हो गई दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों, ये हमारे पास पानी है और इसके अंदर हम डाल रहे हैं चाय पत्ती। तो चाय पत्ती को चूल्हे पे पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए उबालेंगे पहले। जब चाय पत्ती उबल जाए तो आपको इस तरह से कपड़े के अंदर चाय पत्ती को डाल देंगे। सूती कपड़ा होना चाहिए, ये इस तरह से। ये जो पेटली है ये छोटी होनी चाहिए, ये मेरा जो कपड़ा है बहुत बड़ा है, तो इस तरह से छोटी पोटली होनी चाहिए। तो ये जो है इसे इस तरह से आंखों पे रख देना है, थोड़ा फैला के इस तरह से। चाय पत्ती हर किसी के घर में मिल जाती है, ये आराम से इस तरह से आप चाय पत्ती वाला ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे 3 रेमेडी क्लियर हो चुकी है। तो दोस्तों नेक्स्ट है गुलाब जल। तो ये गुलाब जल को कैसे उपयोग करना है, इसको यहां से ऐसे निकालेंगे और एक कोटन ले लेंगे इस तरह से, ये कोटन हो गया, और इसमें ऐसे गुलाब जल को लगाएंगे, ये लग गया, और इस तरह से दोनों आंखों पे आपको ये कोटन गिल्ला करके गुलाब जल से रख देना है। हो सके तो ये गुलाब जल फ्रिज में ठंडा किया हुआ हो तो ज्यादा बेहतर है। रेमेडी नंबर 4 गुलाब जल, और इसके बाद है दोस्तों रेमेडी नंबर 5 केला। केला, तो केले को कैसे यूज करेंगे, छीलेंगे पहले, पहला केला खाएंगे खुद, दूसरे केले से इलाज करेंगे, ठीक है। ये केला इस तरह से केला है, छील के ऐसे पीस पीस करने, और इस तरह से ये जो पीस है इनको ये केले को इस तरह से आंखों के ऊपर रखना है, ये इस तरह से। तो इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। अगर पॉसिबल हो तो आप कद्दूकस करके केला रख सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर काम करेगा। तो ये होगी हमारी रेमेडी नंबर 5। तो दोस्तों अभी हम 6th
रेमडी की बात कर रहे हैं, उसके लिए इस तरह की ये विक्स आपको मार्केट में मिल जाती है। यदि घर पे पड़ी हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इस तरह से यहां पे लगाना है और आंख के ऊपर लगाना है, यहां पे भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा नाक पे लगा दें, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा इंस्टेंट। इससे आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। हल्की विक्स लेनी है और आंख के ऊपर ऊपर लगानी है, अंदर नहीं लगानी, ऊपर ऊपर से ऐसे हल्का हल्का यहां पे। इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगी। तो ये हो गया दोस्तों सिक्स्थ रेमेडी। अभी बात करेंगे रेमेडी नंबर 7। तो ये है दोस्तों आलमंड ऑयल। तो इसका कैसे यूज करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, खाली ऐसे ही थोड़ा सा आलमंड ऑयल लेना है और इसको आंख के ऊपर इस तरह से यहां पे और यहां पे नीचे की साइड में यहां पे लगाने का। इससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। यह जो भी मैं रेमेडी बता रहा हूं ये सब 10 से 15 मिनट तक आपको कंटिन्यू रखने पड़ेंगे, मतलब लगा के 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको रिलीफ मिलने में। और सबसे इंस्टेंट जो रिलीफ है वो विक्स से मिलेगा आपको। अभी है दोस्तों रेमेडी नंबर 8। इसमें क्या करना है, आपको मिल्क लेना है, घर में पड़ा ही होता है दूध। दूध में आपको ऐसे कॉटन को भिगोना है इस तरह से। दूध अगर फ्रिज में रखा हुआ हो तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह से आपको कॉटन को दूध में भिगोना है थोड़ा सा और इस तरह से आंख के ऊपर फैला देना है पूरा। इससे भी आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा अगर आपके लाइट लगी हुई है तो, आंखों में जलन हो रही है तो। तो ये हो गया दोस्तों 8 नंबर सेकंड लास्ट रेमेडी के बारे में बता रहा हूं, जो कि सबके पास अवेलेबल होता है। ये है पानी, और पानी को कपड़े को पानी के अंदर डालना है और अच्छी तरह भिगोना है। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है घर पे इनमें से, तो आप इस तरह से भी अपना बढ़िया आपको रिलीफ मिल सकता है। कपड़े को भिगो के पानी में, और पानी में भीगा हुआ कपड़ा जो है उसको आंखों के ऊपर रखना है इस तरह से ऐसे। तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इससे आपको बहुत बढ़िया रिलीफ मिलेगा अगर आपके पास, या आप कहीं फैक्ट्री में ही रात को रुके हुए हैं, आपके पास और कोई जरिया ही नहीं है। घर पे तो दूध चाय पत्ती केला आलू ये सब मिल जाता है, लेकिन फैक्ट्री में यदि रुके हुए हैं तो पानी तो कम से कम आपके पास होगा ही, और कपड़ा भी होगा। बनियान उतार के भिगो के उसी को आंख के ऊपर रख ले, उससे भी आपको बहुत बढ़िया रिलीफ मिलेगा। तो सबसे लास्ट रेमेडी की बात करेंगे दोस्तों, बर्फ है, बर्फ या तो फिर आइस जो है उसके पीस छोटे छोटे करके आंखों के ऊपर रखने हैं, उससे भी आपको बढ़िया रिलीफ मिलेगा। तो सभी 10 रेमेडी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, चाय पत्ती है, केला है, आलू है, खीरा है, गुलाब जल है, विक्स है, आलमंड ऑयल है, मिल्क है, और पानी में भीगा हुआ कपड़ा, और इसके बाद बर्फ या तो आइस। तो दोस्तों आशा करता हूं आज के वीडियो से आपको काफी सारा ज्ञान मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।